हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू WWE टॉक शो। हाजिर है WWE की कुछ बड़ी अपडेट्स लेके, जिसमें आज मैं कवर करूंगा शेन मैकमैन हेलीकॉप्टर क्रैश, क्या WWE का हिस्सा बनेंगे रे मिस्टीरियो, जानिए किसकी वजह से WWE ने जॉन सीना को साइन किया, और लास्ट अपडेट रेसलिंग से हटने के बाद बटिस्टा ने किया हॉलीवुड का रुख। शुरू करते हैं बटिस्टा से। बटिस्टा अपने आने वाली फिल्म ब्लेड रनर 2049 के टीजर के आने से एक बार फिर वो स्पॉटलाइट में आ गए हैं। बटिस्टा ने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा क्लिप पोस्ट किया है। उनकी इस फिल्म का इंतजार फैंस को काफी समय से था, क्योंकि इस फिल्म के पहले पार्ट को फैंस ने काफी पसंद किया था। बटिस्टा काफी सफल WWE सुपरस्टार में से एक रहे हैं। वो आखिरी बार कंपनी के अंदर 2014 में पेबैक के बाद हुई रॉ में आखिरी बार दिखाई दिए थे। उसके बाद से उन्होंने WWE से दूरी बना ली थी। सेकंड बड़ी अपडेट, समोआ जो ने एक इंटरव्यू में कहा कि WWE में साइन होने को लेकर कैसे उन्होंने जॉन सीना की मदद की थी। इस इंटरव्यू में समोआ जो ने साल 2000 में अल्टीमेट प्रो रेसलिंग में हुए जॉन सीना के साथ मैच के बारे में बात की, जिसकी मदद से जॉन सीना को WWE ने साइन कर लिया था। समोआ जो ने कहा कि जॉन सीना का मैच मेरे साथ था, जिस वजह से जॉन सीना को WWE ने हायर कर लिया। मुझे ये भी पता था कि WWE की नजर जॉन सीना पर थी, क्योंकि वो काफी अच्छे थे। जॉन सीना मेरे भी काफी अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने कभी इस बात को हाईलाइट नहीं किया कि मेरी वजह से WWE ने उन्हें साइन किया। थर्ड अपडेट रे मिस्टीरियो से जुड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक GFW और WWE दोनों ही रे मिस्टीरियो को साइन करना चाहती हैं। मिस्टीरियो अभी लूचा अंडरग्राउंड के कॉन्ट्रैक्ट में हैं और सीजन 3 तक उनके साथ काम करने वाले हैं। हालांकि उसके बाद वो फ्री एजेंट बन जाएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट डील के मुताबिक अगले काम के लिए उन्हें 90 दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। WWE की आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी रे मिस्टीरियो को वापस लाने के लिए मना सकती है। अब वक्त ही बताएगा कि रे मिस्टीरियो का अंतिम फैसला क्या होता है। टॉक शो की लास्ट सबसे बड़ी अपडेट, WWE के ओनर विंस मैकमैन के बेटे और स्मैकडाउन के कमिश्नर शेन मैकमैन का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। स्मैकडाउन के कमिश्नर और उनके साथी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अटलांटिक द्वीप में यह हादसा हुआ। रेस्टचेस्टर से इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, लेकिन लैंडिंग कहीं और हो गई। हेलीकॉप्टर के रडार सिस्टम में दिक्कत होने की वजह से पानी के बीचों बीच लैंडिंग करानी पड़ी। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो शायद कुछ और ही हो सकता था। शेन मैकमैन एक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए हैं। हालांकि खुशी की बात यह है कि शेन मैकमैन और उनके साथी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, उन्हें कोई चोट नहीं आई है और वो सुरक्षित हैं। इस हादसे के बाद शेन मैकमैन और लोकल अथॉरिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी के सामने इस बात को बताया, अगर इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हुई होती तो शायद कुछ और ही हुआ होता। इस खबर ने WWE यूनिवर्स में हल्ला मचा के रख दिया। तो ये थी इस वीक की बड़ी अपडेट्स। WWE से जुड़ी जानकारी हिंदी में पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे हैमर पंच सुसाइड डाइव जो मारना है मारो यार, बट सब्सक्राइब करो। थैंक यू।